गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये लीजिए, सफ़र हो गया है हम लोगों का स्टार्ट। तो यहाँ पर हम सब लोग ले रहे हैं सबसे पहले बस, और सुबह सुबह के बजे अभी आई थिंक 5:30-6 बजे हैं, बिकॉज 7 बजे की हमारी ट्रेन है। तो सबसे पहले हम घर के नीचे से बस लेके और उसके बाद हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। सात जो हमारा राउंड ट्रैवल है वो हमारा 4 to 5 आवर्स का। और यहाँ पर धारा भी आप देख सकते हो कि सुबह सुबह सो रही है। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठ गए मेट्रो में, और सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन। तो हम लोग जा रहे हैं पराग। जो हमारा ट्रिप है वो है हमारा 4 to 5 डेज का, आई थिंक 3 नाइट का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में, और यहाँ पे धरारियाँ की चल रही है आंटी के साथ मस्ती और भैया के साथ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि भैया के साथ फुल ऑन मस्ती चल रही है। आप देखिए किस तरीके से, मतलब इतने बड़े भैया हैं और उसके साथ पूरा छेड़खानी, दोनों इतना परेशान करती रहती है भैया को, भैया ऐसे, भैया ऐसे, भैया ऐसे। और उसके बाद देखिए ट्रेन में इसको इधर से उधर भागना बिल्कुल भी नहीं मान रही है। अपने कैबिन से इस तरीके से निकल के कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह कि इस तरीके से देखिए पूरा पर्सनल कैबिन मिला था, तो इसमें बच्चे के आराम से सेट हो जाते, तो बहुत मजा आ रहा था सबको। तो इस तरीके से देखिए, उसके बाद हम लोगों ने बनाई थोड़ी बहुत रील, जो कि आप सब लोगों को पता है कि रील बनाना तो बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने किया थोड़ा बहुत वीडियो शूट, जितना मैं शूट कर पाऊंगी बच्चों के साथ में। मेरा टारगेट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा शूट करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और रास्ते में आ रहे थे बहुत ही प्यारे प्यारे से व्यू, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे व्यू लग रहे थे। तो धरा आ रही है बार बार यहाँ पे आ रही थी कि मम्मी हमें ये देखना है, मम्मी हमें ये देखना है, मम्मी हमें ये देखना है। मतलब इवन बच्चों के साथ क्या कि थोड़ा सा ट्रैवल टफ हो जाता है। और उसके बाद हम लोगों का हुआ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम बनाते रहे थे पूरी सब्जी, बिकॉज हम घर से 5 बजे निकल गए थे, तो हम सब लोगों का ब्रेकफास्ट करना भी बहुत जरूरी था। अराउंड 8-9 बजे के आसपास हम सब लोगों को लगी भूख, और हम सब लोगों ने किया ब्रेकफास्ट। और इसमें धरारियाँ नहीं कर रही है, दोनों आराम से बैठी हुई है। वो कह रही कि नहीं हमें नहीं खानी, नहीं खानी। तो मैं ट्राई करी कि किसी तरीके से वीडियो बनाते बनाते मैं आर्या को पूरी खिला दूँ, बट वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। पर देखते कि खाएगी नहीं खाएगी। इवन काफी और उसके बाद चालू हो गए हम सभी लोग दोबारा से रील बनाने के लिए। और यहाँ पे धरारिया बहुत एंजॉय कर रही थी भैया के साथ, देखिए कैसे डांस कर करके रील बना रही थी। तो मैंने बोला क्यों ना हम सब बैठ के, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट के बाद क्यों ना 2-4 रील बनाई जाए सबके साथ। बिकॉज सौरभ और भैया दूसरे वाले कैबिन में बैठे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इनको पूरे कैबिन में जगह चाहिए थी। तो जो हमारे साथ वाला कैबिन था वो खाली था, तो वहाँ पर जाके बैठ गए। और सौरभ कह रही थी बहुत तेज नींद की, अब तो मेरे को नींद आ रही क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे। और आज सीरियसली मैं पता नहीं चीकू धरारिया ने भी इतना परेशान किया ना, सुबह सुबह रोना शुरू दिया। और उसके बाद दोबारा देखिए इनकी चालू हो गई है मस्ती के, पापा ये करो, पापा वो करो, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मानती है। कभी कभी ना ट्रैवल में बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और यहाँ पे चल रही है भैया के साथ मस्ती फुल ऑन, तो इस तरीके से दोबारा से लगी हुई है भैया के साथ। और उसके बाद आप देखिए बीच बीच में इतने प्यारे प्यारे व्यू आ रहे थे ना, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इस तरीके का व्यू ना सबको बहुत पसंद आता है, सीरियसली मुझे तो बहुत पसंद है। और आप लोग मेरे साथ पराग ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, मैं स्टोरी भी अपडेट कर रही हूँ जितना मैं अपडेट कर सकती हूँ। तो आप मुझे इस चीज़ का कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं पराग गई और मेरे साथ साथ जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब लोग एंजॉय करें, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो उनको जितना मजा आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मजा आए। और उसके बाद हम लोग लेके आए हैं 11 बजे के आसपास कॉफ़ी, बिकॉज 11:30-12 बजे हम फाइनली पराग पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठ के पियेंगे पहले कॉफ़ी। और इधर धरारिया इतना एक्साइटेड थी, पता नहीं गिलास में क्या लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, बिल्कुल भी नहीं मान रही थी कि नहीं हमें कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, जबकि कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीती है। इसको धरारिया को दोनों को आराम से समझा रहे हैं इनके पापा की, वेट करो आपको कॉफ़ी देंगे। लेकिन इतना एक्साइटेड थी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि नहीं हमें कॉफ़ी पीनी है। तो यहाँ पर और उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पराग। आप देख चुके हैं अभी हम ट्रेन से उतरने वाले, और यहाँ पे सब खड़े हैं अपना अपना सामान लेके, क्योंकि हम लोगों को उतरना है। और मैंने पकड़ रखा है धरारिया को, तो और यहाँ पे सब लोग, तो हम लोग पहुंच चुके हैं पराग। तो आपको कैसा लगा, और मैं डे बाई डे सारी अपडेट दूंगी आपको, सारा विजिट कराऊंगी। जितना बच्चों के साथ थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए बाहर जाके वीडियो शूट करना, लेकिन जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया ट्रैम, और यहाँ पर आर्या भी मेरी गोदी में सो रही है, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं होटल। और सबसे पहले हम लोग वहाँ पर हम लोगों ने एयरबीएनबी लिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एयरबीएनबी हमने बुक किया हुआ है। वहां पे जाके हम लोग सबसे पहले करते हैं कपड़े वगैरह चेंज। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।